हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, अभी 8:30 बज रहे हैं और 9 बजे पंडित जी ने आने के लिए बोला है, तो मैं फटाफट सब्जियों की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने कट कर ली है सब। पहले एक सब्जी बना लेती हूँ। ये आज मैंने फ्रेंड्स एक नई नमकदानी बनाई है जिसमें लाल मिर्च नहीं है और हींग नहीं है, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं रहेगा इसके लिए। मैंने इसमें से लाल मिर्च हटा दी है और हींग हटा दी है, क्योंकि आज से ही लास्ट श्राद्ध है आज अमावस्या का, और इसके बाद से कल से नवरात्रे शुरू हैं, तो उसके लिए प्याज लहसुन कुछ डालना नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल सात्विक खाना बनना है, तो इसके लिए मैंने आज से ये नमकदानी चेंज कर दी, तो कहीं मैं गलती से ना डाल दूँ इसके लिए। तो सबसे पहले हम आलू की सब्जी बनाएंगे रसे वाली। उसके लिए मैंने देसी घी पिघाल के रखा है, थोड़ा सा ही देसी घी डालूंगी इसमें। ये आलू मैंने उबाल के रखे हैं, खीरा कद्दूकस करके रखा है, थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रखी है फ्रेंड्स, क्योंकि 9 बजे तक सब खाना रेडी होना चाहिए। तो अभी तेल गरम हो गया है, इसमें जीरा डालूंगी थोड़ा सा, ये टमाटर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है मैंने। ये भून लेती हूँ इतने, ये आलू फोड़ लेती हूँ इसमें। दो आलू फ्रेंड्स निकाल लेती हूँ पूरी के लिए। ये फोड़ लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। इसमें फ्रेंड्स मैं नमक डालती हूँ थोड़ा सा, जल्दी भुन जाएगा मसाला। ये सेंधा नमक डाल रही हूँ, आज से नॉर्मल नमक नहीं चलेगा। थोड़ी सी हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, बस यही डलेगा मसाला। लाल मिर्च की छुट्टी है 10 दिन तक, आज से ही बंद कर दिया फ्रेंड्स मैंने, क्योंकि आज भी बिल्कुल सात्विक खाना बनना है। और आज से सरसों का तेल भी नहीं डलेगा फ्रेंड्स, सरसों का तेल भी पूजा के किसी काम में खाने में नहीं डलता है। वैसे मैं तो सरसों का तेल ही यूज करती हूँ, लेकिन अभी देसी घी में बनेगा खाना सारा। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला भून गया है, अब मैं आलू भी इसी में डाल देती हूँ। आलू को भी साथ में ही भून लेती हूँ इसके। अब ये फ्रेंड्स अच्छे से भून चुका है, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ये आपके ऊपर है, आपको कितना घी रखना है इसका। थोड़ा सा और डाल देती हूँ पानी।
अब फ्रेंड्स इसको साइड में कर देती हूँ और दूसरी सब्जी बना लेती हूँ। इसको ढक देती हूँ, गैस ऑन कर देती हूँ नीचे से। अभी मैं तुरई बनाऊंगी।